आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर मैं मुंबई से बोल रहा हूँ सर मेरे अबू का इंतकाल हो गया था तो ये कुर्बानी आ रहा है तो कुछ लोग बोलते हैं कि आ, एक घर के तरफ़ से करिए एक अपने अबू अबू के नाम पे भी कुर्बानी करिए तो क्या ऐसा करना सही है मतलब एक बाप दुनिया से जा चुके हैं तो उनके नाम पे भी कुर्बानी करना चाहिए और एक परिवार की तरफ़ से करना चाहिए मतलब दो जानवर करना ज़रूरी है बताइए भाई साहब का कहना है कि इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है तो कुर्बानी का वक्त आ रहा है तो कुछ लोगों ने इनको मशवरा दिया है कि अपने वाल साहब की तरफ़ से भी कुर्बानी करें तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये चीज़ दुरुस्त है तो देखिए ये चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है इसी तरह यह चीज़ सहब कराम रज़ी से भी साबित नहीं है इसलिए जब अल्लाह के नबी से साबित नहीं है सहाबा से साबित नहीं है तो हमें ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए जो ना कुरान से साबित हो ना हदीस से साबित हो ना साहब कराम से हो हाँ अपने वालिद के लिए स्वाब पहुँचाना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीक़े हैं आप उनके तरफ से मस्जिद बनवा लीजिए या मस्जिद बनने में पैसा दीजिए या किताबें खरीदिए या किताबें छपवाइए किताबें लिखवाइए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन ये इबादत का जो मसला है क़ुरबानी का चूंकि ये साबित नहीं है इसलिए ये नहीं कर सकते उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं